हेलो गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सबको। और आज हमारी मोस्ट अवेटेड ट्रिप जो सभी के बकेट लिस्ट में रहती रहती है, तो वो आज हम अपनी स्टार्ट कर चुके हैं। तो करीबन 5 बजे करीब मैं अपने घर से निकला था और अभी हम तीन जने जा रहे हैं। और जा कहाँ रहे हैं ये तो आपको पता चल ही जाएगा थंबनेल से, बट ये हम आपको दिखाएंगे कि हमारा आज का दिन कैसा रहता है और आज हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो बेसिक प्लान ऑफ एक्शन तो ये है अपना कि हम आज पहुँच जाए मनाली तक, और उसकी 12 घंटे की ड्राइव है और तीनों के तीनों जने हैं, तो देखते हैं कि अपना सफ़र कैसा रहता है। यार सुबह 5 बजे के निकले हुए हैं सिंधु बॉर्डर से, पहले पहुंच तो हम जल्दी गए थे टाइम पे, बट उसके बाद यार सिंधु बॉर्डर जैसे पता है आपको आजकल बंद ही पड़ा हुआ है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, देखो किस तरह इन लोगों ने पूरी अपना डेरा जमा रखा है। यार ये इसको अभी तक हम क्रॉस नहीं कर पाए, अभी बज चुके हैं हमारे करीबन 6:30 बज गए हैं और 5 बजे के निकले, अभी हमारे दिल्ली क्रॉस नहीं हुआ एक तरीके से। ये हमारा फर्स्ट ग्लिम्स है वाटर क्रॉसिंग का, तगड़ी ही वाटर क्रॉसिंग दिल्ली में, वाटर क्रॉसिंग। ये भाई पानी में नहाती हुई, ये देखो भाई अपना ये कर रहा है ऑफिस का काम। तो यार अभी हम पानीपत साइड रुके हुए हैं और यहाँ पे ना मेरे को अपनी गाड़ी का पोल्यूशन करवाना है। आपको मिलाता हूँ अपने दोस्तों जो हमारे साथ चल रहे हैं। ये हैं हमारे चौहान साहब जो लम लेट हो रखे हैं, और आपको दिखाओ सबसे गरीब आदमी जो मतलब ट्रिप में सबसे ज़्यादा वो कर रहा है कि खोल नहीं रहा दरवाज़ा। ये देखो यार ये देखो ये करना पड़ता है, छुट्टी नहीं मिलती है। ये देखो ये कहाँ बैठे काम कर रहे हैं, इसके ऑफिस वाले वीडियो जरूर देखना। ये देखो यार सुबह सुबह। अम्बाला हमने क्रॉस कर लिया है, अब अम्बाला से हम लोग पहले सोच रहे थे कि हम चंडीगढ़ के अंदर से जाएंगे, बट जो मैप्स हमें जो लेके जा रहा है वो चंडीगढ़ को बाईपास कराता हुआ लेके जा रहा है, तो फिर हम वहाँ से वो बाईपास में है अभी। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सही सॉर्टेड सीन है यहाँ पे, क्योंकि पूरा गांव के बीच है और आप देख ही रहे होगे वीडियो में सारे साइड में खेती खेत है। पंजाब के अंदर है तो पंजाब में वैसी खेती इतनी होती है। हम लोग ने डी रूट हुए थे ज़रा थोड़ा कुछ सामान लेने के लिए, और ये भाई देखो यार हमारा बेचारा पेट पालने के लिए करना ही पड़ता है, ये कर रहा है ऑफिस अपना। अच्छा वो कहीं बोलता है इसमें, अभी इन भैया से पूछता हूँ कहाँ से आ रहे हैं। हाँ भैया कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं बताओ तो सही भैया, भैया मास्क नीचे करके बताओ तो सही कहाँ से आ रहे हैं। भैया देखो पीछे से गीले हो रहे तो समझ जाओ कहाँ से आ रहे हैं। तो यार मिनीसो से सामान खरीदने आए थे, फ्राइज खाने लग गए, अंकल जैक्स के फ्राइज होते तो वैसे बहुत टेस्टी हैं, मशरूम चीज फ्राइज है ये। ये देखो ये लो लोग, अब हम हो चुके हैं यार मैंने हिमाचल एंटर हो चुके हैं, पंजाब बॉर्डर क्रॉस हो चुके हो गया हमारा, और हिमाचल ने सीधा बारिश से स्वागत किया हमारा, काफ़ी ज़्यादा पानी और रोड थोड़ी सी, तो मना हिमाचल की रोड तो आप लोगों को पता ही है कितनी बढ़िया रोड है। अभी देखो हम कहाँ कैसे पहुँचते हैं, कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अच्छी कैसा रहा भी अपना अभी तक, ये देखो यार पीछे हमारे पीछे कौन से वो थी, ये लेक गोविंद सागर लेक थी, और इतनी सुंदर दिख रही है इस समय सादे बाद। ये देखो भाई लोलू प्रधान, फाइनली मेरा ऑफिस खत्म हो गया। आप लोग देख ही रहो कब से ऑफिस में लगा पड़ा है,
इसके ऑफिस वाले सुन लो अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, जतिन चावला टलूना। बट मैंने सक्सेसफुली बहुत काम किया है। बहुत चलो क्या यार, एक नींद भी निकाल ली यार, अब फिर भी अभी तक पहुंचे नहीं मनाली। बड़ा लंबा रास्ता है यार। यार मनाली अभी भी 100 किलोमीटर दूर है। अभी हम थोड़ी देर यहाँ किसी एक रेस्टोरेंट में रुके हैं थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए, और थोड़ी देर बाहर थोड़ा मूवमेंट लेते हैं यार। बहुत थक गए, पाँव वगैरह डेड हो चुके हैं सब। ये देखो यार कितना सेक्सी व्यू है यार। ये सार कलर्स देखो यार, ऑरेंज से शुरू होके यहाँ पे पर्पल। कैमरा उतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, बट हाँ यार कलर्स बहुत प्यारे कलर्स आ रहे हैं। सो यार फाइनली अब मनाली पहुँच गए यार। रात को पहुँचे हम मनाली, और अभी मैं खड़ा हूँ मॉल रोड के आगे, बढ़िया ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेक भूखे हमारे खड़े हुए हैं यहाँ पे। ये आप अब आना, ये मॉल रोड, अभी भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट निकल गया यार मुंह से इससे पहले, समझ लो कितनी भूख लग रही है इस हिसाब से। हाँ भाई चले, हाँ भाई चलो भाई, भूख लग रही है। एक बार गाड़ी खोल दे, मेरे को नहीं चलना भाई साहब, भूख लग रही है भाई। टूटो भाई, टूटो अब इस पे। हाँ खा रहे हैं भाई। हमने कोई कौन सा रूम बुक कराया, याला वाला क्या भाई? लावा का भाई, लावा का बुक कराया तो उसमें हमने डॉम लिया, 3 दिनों के डॉम है। ये रहा भाई, एक हमारा लमलेट हो गया यहाँ पे, एक यहाँ सोएगा, अब मैं यहाँ सोऊंगा। और भाई साहब यहाँ से ना जो तुम्हारा कल सुबह दिखाऊंगा, अभी सिर्फ आवाज़ सुन लो।